खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, मुंबई पुलिस का भंडाफोड़, पैसे देकर टीआरपी बढ़ाता है रिपब्लिक टीवी। हाथरस पीड़िता को बदनाम करने और परिजनों को धमकाने का अभियान। रक्षा मंत्रालय की पर्देदारी, वेबसाइट से हटाई चीनी घुसपैठ की जानकारी। तबलीगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिलाई केंद्र सरकार को तगड़ी झाड़। मुजफ्फरपुर कांड की अभियुक्त मंजू देवी को जेडीयू ने दिया टिकट। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त हो चला है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश यह है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ क्या छेड़छाड़ करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और तब आप मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे sathindi.com को अपना ये सहयोग जरूर प्रदान करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, टीवी की दुनिया में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दो टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और रिपब्लिक टीवी की जांच चल रही है। रिपब्लिक भारत टीवी हैरत अंगेज तरीके से पिछले 6 हफ्तों से नंबर 1 चैनल बन गया था। तब ये कहा गया कि सुशांत सिंह पर एक तरफा कवरेज से उसे ज्यादा दर्शकों ने देखा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। अब पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 टेलीविजन चैनलों पर टीआरपी की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के आयुक्त परमवीर सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन चैनलों के बैंक खातों की जांच की जाएगी और इसकी पड़ताल की जाएगी कि इनके खातों में जमा पैसे विज्ञापनों से मिले हैं या आपराधिक गतिविधियों से हुई कमाई है। उन्होंने कहा यदि अपराध का खुलासा हुआ तो इन खातों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी और कार्रवाई करेगी। परमवीर सिंह ने कहा रेटिंग को मनमर्जी तरीके से दिखाने के लिए घरेलू आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया, इन चैनलों को गैर कानूनी विज्ञापन फंड से पैसे दिए गए मिले हैं, इसे फर्जीवाड़े से मिला पैसा माना जाएगा। परमवीर सिंह ने यह भी कहा कि न्यूज ट्रेंड में जोड़ तोड़ और हेरा फेरी कैसे की जाती है, झूठी कहानी कैसे गढ़ी जाती है और गलत बात कैसे फैलाई जाती है, पुलिस तफ्तीश में इसकी भी जांच की जाएगी। इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाएगा। मुंबई पुलिस के प्रमुख ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को इस मामले में आज या कल तलब किया जाएगा। बता दें कि BARC यानी बार्क नामक एजेंसी टीआरपी मापने का काम करती है, उसने ये काम हंसा नाम की एजेंसी को दिया है। पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि फर्जी टीआरपी का एक नया रैकेट पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई में तकरीबन 2000 टीआरपी मीटर लगाए गए हैं। हंसा के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने किसी चैनल से पैसा लेकर दर्शकों को उस विशेष चैनल को देखने का सौदा किया था। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके पास से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, बाकी की तलाश चल रही है। पुलिस ने कहा है कि BARC ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम आया है। सुशांत मामले की जिस तरह कवरेज रिपब्लिक टीवी ने किया था उस पर महाराष्ट्र सरकार ने नाराजगी जताई थी। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार और मुंबई पुलिस को लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस चैनल ने किया था उसके चलते महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक चैनल के प्रमुख अर्णब गोस्वामी तथा विधान परिषद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया गया था। तो ये जो टीआरपी का खेल है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये टीआरपी को नापने के लिए कुछ पीपल्स मीटर होते हैं जो देश भर में चुपचाप कुछ घरों को चुनकर उसमें लगाए जाते हैं और उनकी रेटिंग के आधार पर फिर टीआरपी रेटिंग हर हफ्ते आती है।
लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इन इन घरों में ये मीटर लगे हैं और आप उन घर के लोगों को कन्विंस कर लें पैसे देकर, कुछ लालच देकर कि आप केवल यही चैनल दिन रात चलाइए, तो जाहिर है कि उन चैनलों की टीआरपी बढ़ जाएगी। ये खेल पहले भी होता रहा है, पहले भी कई चैनलों ने किया है, लेकिन रिपब्लिक टीवी और कुछ और चैनल अब पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों की को पकड़ लिया गया है जो पैसे लेकर इस तरह से घरों के लोगों को कन्विंस कर रहे थे, उनको घूस देकर, रिश्वत देकर, और ऐसे लोगों ने स्वीकार भी किया है कि कुछ चैनलों ने उन्हें पैसे दिए थे इसके लिए। तो ये बात सामने आ गई है, रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी एकदम से छलांग लगाई थी और वो चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसे किसी भी चैनल का एकदम से और एकाध हफ्ते दो हफ्ते बढ़ जाए तो भी समझ में आता है किसी इवेंट के बहुत शानदार कवरेज की वजह से, लेकिन अगर लगातार इतनी टीआरपी बढ़ती है तो उसमें कोई निश्चित रूप से कोई संदेह की बात होती है, और ये संदेह की बात सामने आ गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपब्लिक टीवी इस तरह के गलत हटकंदे पहले भी आजमाता रहा है, उसने अपने चैनल को एक साथ दो दो फ्रीक्वेंसी पर रखा जो नियमों के खिलाफ था, फिर जो लैंडिंग पेज होते हैं वहां पर अपने को प्लेस किया वो भी नियमों के खिलाफ था, उसके खिलाफ भी कंप्लेन की गई। ये और बात है कि सरकार अपनी है इसलिए उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन रिपब्लिक टीवी हमेशा इस तरह के हथकंडे आजमाकर आगे निकलने की होड़ में कोशिश करता रहा है और उसे कामयाबी मिली है, इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। अब पहली बार ऐसा लगता है कि चूंकि ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं, ऐसी रकम पकड़ी गई है और ऐसे लोग मिल गए हैं जो ये कहने को तैयार हैं, तो रिपब्लिक टीवी पर शिकंजा कस सकता है। रिपब्लिक टीवी हम जानते हैं कि बेसिकली प्रोपेगंडा चैनल है, प्रोपेगंडा करता है, पत्रकारिता से उसका कोई संबंध नहीं है, और अर्णब गोस्वामी जो शो करते हैं उसमें जो संघ परिवार की लाइन है उसके आधार पर सारा कवरेज होता है, और जो विपक्षी दलों की सरकार है या विपक्षी दल है उनको टारगेट किया जाता है, और इसमें भी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान उनका प्रिय विषय है, इसके आधार पर वो नफरत और हिंसा उकसाने वाली चीजें करते हैं। हमने पालघर के मामले में देखा, हमने तबलीगी मामले में देखा, हमने कंगना रनौत के मामले में देखा, हमने सुशांत राजपूत के मामले में देखा। तो इस तरह के चैनल और इस तरह के एंकर और इस तरह के पत्रकार पूरी मीडिया इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री को भी धोखा दे रहे हैं, वो अपने विज्ञापन दाताओं को भी धोखा दे रहे हैं, झूठी टीआरपी बताकर, झूठी अपने को नंबर वन और सबसे बेहतरीन चैनल के रूप में स्थापित करने की जो जुगत करते हैं इस तरह से उसके जरिए। हालांकि दूसरे चैनल भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो रिपब्लिक टीवी के स्तर तक अभी नहीं गिरे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ये अच्छी बात होगी कि अगर इस बार कोई ठोस कार्रवाई हो, ये बार्क के लिए भी अच्छा है, पूरी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है कि कड़ी कार्रवाई हो, कुछ गिरफ्तारियां हो, कुछ सजाएं हो, ताकि मिसाल बने और भविष्य में इस तरह की हेरा फेरी धांधली करने से चैनल बचे। अगली खबर का रुख करते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे नए नए सवाल खड़े होते हैं। अब इस केस के आरोपियों ने हाथरस के एसपी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। मामले में चार आरोपियों ने जेल से भेजे अपने पत्र में कहा है कि मुख्य आरोपी संदीप के साथ पीड़िता की दोस्ती थी और पीड़िता के घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। पूरा परिवार इसे लेकर नाराज था। उन्होंने परिवार वालों पर ही पीड़िता को मारने का आरोप भी मढ़ दिया है। इसके पहले कहा गया था कि मुख्य आरोपी संदीप और युवती के भाई के बीच फोन पर बातचीत होती थी। दोनों के बीच 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई, ऐसा कहा गया। यह भी कहा गया कि अधिकांश कॉल रात के वक्त हुई। उधर पीड़िता के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बैठक अभी हाल में हुई थी। इस बैठक में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान ने अपने घर पर हुई इस बैठक में दोषियों के परिजन पर भी आरोप लगाए थे। दोषियों के परिजन भी आए थे और इस बैठक में उन्होंने कहा था कि दलित युवती की मौत ऑनर किलिंग का मामला है। पहलवान ने कहा कि ये पूरा मुकदमा झूठा है और युवती की मां और भाई ने उसकी हत्या की है। बारंकी से आने वाले बीजेपी नेता का नाम रंजीत बहादुर श्रीवास्तव है,
वीडियो में उन्होंने कहा, लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था, सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं, पकड़ ली गई होंगी। अक्सर यही होता है खेतों में, ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों में पाई जाती हैं। इन सब बातों से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी और जो परिजन हैं अभियुक्तों के, वो मिलकर एक दूसरा आख्यान रच रहे हैं। वो पीड़िता का चरित्र हनन कर रहे हैं, पीड़िता के परिजनों को धमका रहे हैं, उनको आतंकित कर रहे हैं और पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मामले को दूसरा रुख दिया जा सके और जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो हम लोगों के दिमाग में भी इस तरह की चीजें भरी जा रही हैं कि दोष उस उन युवकों का नहीं है, दोष तो उस लड़की का है जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी जुबान काट ली गई, जिसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, जिसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसका दोष था। उसने इन अभियुक्त तो बेचारे सीधे साधे निर्दोष लोग हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हत्या हुई है वो उनके परिजनों ने की, उनकी माँ और उनकी उनके परिजन पूरे सिरे से ये नकारते रहे हैं कि ऐसी कोई फोन पर बातचीत हुई है। ये फोन के कॉल डिटेल्स आखिरकार कहाँ से किसने निकाले, किसने ये पब्लिक डोमेन में हम सबके बीच डाल दिए, वो फर्जी थे, सही थे, गलत थे, कहाँ से आए, ये पुलिस का काम होगा। जाहिर है प्रशासन ने इस तरह की चीजें गढ़ी होंगी और फिर इनको फैलाया होगा। इसी तरह का एक वीडियो भी आ गया है जो बताया जा रहा है कि वारदात के दिन का ही है और उसमें कुछ चप्पल और इधर उधर की चीजें बिखरी हुई हैं। अब वो वीडियो सच है नहीं है, फर्जी है, बनाया गया है, क्या है, उसकी सच्चाई का कोई पता नहीं। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो जो लोग ज्यादा ध्यान से नहीं सोच पाते हैं वो भी इसके चक्कर में फंस जाते हैं। और हमारे चैनलों का हाल तो आप जानते ही हैं कि वो चीजों को पुष्ट नहीं करते हैं, उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं, जांच नहीं करते हैं और उनको उसी तरह से परोसते चले जाते हैं जैसे आम लोग इन सब चीजों को अपने विवेक से समझने की कुवत रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को पता नहीं है, वो चैनलों पर इन सब पर भरोसा करके उन चीजों को देखते हैं और उसको सही मान लेते हैं। तो चैनल मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन सरकार है, उनके परिजन हैं दोषियों के, उनको बचाने की कोशिश हो रही है और पूरे अपने को भी बचाने की कोशिश हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की खासी बदनामी हो रही है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही है और ये भी आ रहा है। तो ये पूरे मामले को गंदलाना और लोगों का ध्यान भटकाना और पूरा मटिया देना जिसको कहते हैं इस पूरी घटना को, ये कोशिश हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। अगली खबर लेते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके चीनी सेना के भारत में घुस आने के 5 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार इस पर अपनी ही जनता से जानकारी छुपाने की नीति पर चल रही है। इससे समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से 2017 के बाद से अब तक की तमाम चीनी घुसपैठ की जानकारियों को हटा दिया है। ये जानकारियां मासिक रिपोर्ट के रूप में डाली गई थी पर अब वे वहां नहीं है, हटाई जा चुकी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में ये जानकारी देते हुए कहा है कि उसने इस पर रक्षा मंत्रालय से सवाल पूछे हैं लेकिन अब तक जवाब नहीं मिले हैं। रक्षा मंत्रालय 2017 के बाद से अब तक हर महीने रिपोर्ट डाला करता था पर जून 2020 की रिपोर्ट को अगस्त में हटा दिया गया, उसके बाद से कोई रिपोर्ट नहीं डाली गई। इस मुद्दे पर पहले भी सरकार की किरकिरी हो चुकी है। सरकार ने गलवान घाटी में हुई घुसपैठ की रिपोर्ट पहले डाली थी पर बाद में उसे हटा दिया था। पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में चीनी आक्रमण बढ़ता जा रहा है, खासकर 5 मई 2020 के बाद ये बहुत ही बढ़ गया जब चीनी पक्ष ने कुकरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग सो के उत्तरी किनारे पर 17-18 मई 2020 को घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस समय जो सामग्री मौजूद है उसमें 2019 से अब तक सिर्फ 4 बार चीन का नाम लिया गया है। 13-14 अगस्त 2019 को साझा सैन्य अभ्यास, 7 से 20 दिसंबर 2019 को मेघालय में दोनों सेनाओं के हैंड इन हैंड अभ्यास की बात कही गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि चीनी नौसेना के जहाज जिंगवेई 2 को पोरबंदर के पास देखा गया था और मार्च 2020 में सीमा सड़क संगठन की ओर से बेली ब्रिज बनाने की बात भी कही गई है। यानी अब रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर
आपको मौजूदा चीनी घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो भी हटा दी गई है। वेबसाइट पर अब न तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से होने वाली गलवान घुसपैठ की चर्चा है, न ही पेंगोंगसो में हुई घुसपैठ की, न तो LAC के पार 40,000 चीनी सैनिकों के जमावड़े की जानकारी है, न ही चीनी सेना के साजो सामान के पहुंचने की बात है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, वो क्या छिपाना चाहती है। ये हम सब जानते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है चीन से विवाद के मामले में। लगातार सरकार की तरफ से झूठ बोले गए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ बोला वो भी बाद में झूठ साबित हुआ। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर जो प्रवक्ता हैं उनके स्तर पर, विदेश मंत्री के स्तर पर बहुत सारे झूठ बोले गए जो बाद में खुलते चले गए। तो सरकार की जो छवि है इस पूरे विवाद से बहुत कमजोर हुई है। पहले तो छवि एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार की थी, लेकिन जैसे ही चीन से पाला पड़ा वो सरकार वाली छवि जो है, 56 इंच वाली जो छवि है वो पिचक गई और अब हम उसे 36 इंच में भी नहीं पाते हैं। तो ये जो सरकार का खेल है कि छवि निर्माण होती रहे, छवि को कहीं दाग न लगे, भले ही हमने कुछ गलत काम किए हों, हमने गलत कदम उठाए हों, हमने सही काम न किए हों, हम नाकाम रहे हों, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, सच को छिपाने पर, सच पर पर्दा डालने की ये कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। इसीलिए वो चाहे PM केयर्स फंड हो, चाहे दूसरे मामले हो, उसमें जानकारियां देने से कतराती है। इसी तरह से इस मामले में भी, पहले भी वो रिपोर्ट हटा चुकी है अपनी वेबसाइट से और अब तो पूरे डिटेल ही हटा दिए। सब जानते हैं कि चीन ने गलवान घाटी में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं रखना चाहती है सरकार कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को लोकतंत्र में छिपाना एक तरह का विश्वासघात माना जाता है, क्योंकि जनता से के साथ एक पारदर्शी रिश्ता होना चाहिए सरकार का, जिसमें झूठ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सच होते हैं जिनको छिपाना पड़ता है राष्ट्रहित में, लेकिन ये ऐसे सच नहीं है। ये सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रही, ना कि देश हित के में ऐसा कर रही है। तो जाहिर है कि इस सरकार की मंशा पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, उसके बारे में सोचें कि सरकार क्या ये एक लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रही है, लोकतंत्र का सम्मान कर रही है और हमारा आपका सम्मान कर रही है क्या। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस आलाकमान के बीच में आने के बाद राजस्थान के सियासी दिग्गजों अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा जैसे तैसे शांत हो पाया था, लेकिन गहलोत सरकार ने ठंडी पड़ चुकी आग में फिर से घी डाल दिया है। राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह और आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार शरद कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि ये लोग जैसलमेर के होटल में ठहरे विधायकों के फोन टैप किए जाने को लेकर फेक न्यूज फैला रहे थे। राजस्थान में चले पॉलिटिकल ड्रामे के दौरान पायलट कैंप ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत अपने ही खेमे के विधायकों के फोन टैप करवा रहे हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने इससे इनकार किया था। FIR में कहा गया कि SHO सुरेंद्र पंचोली ने जब फेक न्यूज के मामले की तहकीकात की और इस दौरान उन्होंने पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह और पत्रकार शरद कुमार के बयान दर्ज किए तो पता चला कि ये दोनों फेक न्यूज फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इस फेक न्यूज के सोर्स को लेकर इसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लोगों को हैरानी इस बात की है कि अगस्त की घटना को लेकर अब जाकर FIR दर्ज करने की क्या वजह है। FIR में यह भी कहा गया कि लोकेंद्र सिंह और शरद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने फेक न्यूज स्टोरी बनाई और बिना कोई पड़ताल किए 7 अगस्त को इसे सोशल मीडिया पर चला दिया। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि राजस्थान में गृह विभाग, गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत के पास है, मुख्यमंत्री के पास है और ये पुलिस का महकमा उसी के माथहताता है। तो क्या ये अशोक गहलोत के निर्देशों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या सचमुच में फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या कहीं नहीं कि कहीं सचिन पायलट को भी निशाना बनाया जा रहा है? उस समय ये सचिन पायलट और उनके साथियों ने भी आरोप लगाया था कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार इस तरह की हरकत में मुब्तला है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस मामले से उठती हैं, लेकिन
देखना यह है कि ये कोई राजनीतिक शक्ल अख्तियार करती है क्या, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी थी क्या वो फिर से गर्माती है, या ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी सहमति से ये हो रहा है और उसमें किसी तरह की राजनीति देखना ठीक नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि अशोक गहलोत, जो कि सचिन पायलट के बारे में बहुत कड़वा बोल चुके हैं, उनके प्रति कोई बहुत अच्छा सद्भावना उनके मन में नहीं होगी ऐसा माना जा सकता है, इसलिए बहुत संभव है कि ये एक तरह का खेल अशोक गहलोत ने शुरू किया हो सचिन पायलट को और कमजोर करने का, उनको डराने धमकाने का। लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और इसके नतीजे सरकार के लिए भी भारी पड़ सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की छोटी हरकत मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं की जानी चाहिए। आज की अंतिम अगली खबर लेते हैं। तबलीगी जमात की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक जूनियर अफसर से हलफनामा दाखिल करा के उसने अदालत के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आप इस अदालत के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। जूनियर अधिकारी ने हलफनामा दायर किया है, ये गोलमोल है। उन्होंने नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें अनावश्यक बकवास नहीं होनी चाहिए। बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने मरकज निजामुद्दीन मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया था कि मीडिया का एक वर्ग गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया का ये वर्ग ये दिखाता है मानो मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे थे। याचिका में कहा गया कि अदालत इस पर रोक लगाए और मीडिया व सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वो मीडिया को जमात पर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही उसने प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। इसी पर चिढ़कर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये बताए कि मरकज के मामले में खराब रिपोर्टिंग के क्या उदाहरण हैं, लेकिन इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि उसके पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इस पर बोबडे ने कहा, आप अदालत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आपका हलफनामा कोई जानकारी नहीं देता है और कहता है कि खराब रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण नहीं है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि खराब रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण ही नहीं है। इसी साल अगस्त महीने में तबलीगी जमात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगंडा की भी आलोचना की थी और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया था। मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें करीब 9,000 लोगों ने शिरकत की थी और देश विदेश से आए लोग इसमें शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में आए भारतीय वापस अपने राज्यों में भी चले गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण विदेशों से आने वाले लोग मरकज में फंसे रह गए थे। यहां से निकले लोग जब देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे तो वहां कोरोना संक्रमण के मामलों को में तेजी आ गई थी और ये कहा जाने लगा था, प्रचारित करने जाने लगा था कि ये उन्हीं की वजह से हो रही है और इसके बहाने मीडिया ने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस पूरे मामले को आप समझ रहे हैं, दो प्रमुख हिस्से हैं इसके। पहली तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का रवैया है वो उन चैनलों को बचाने की कोशिश कर रही है, उन मीडिया हाउसों को बचाने की कोशिश कर रही है जो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के अभियान में, नफरत और हिंसा फैलाने के अभियान में जुटे हुए थे हिंदू मुस्लिम के आधार पर, क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े लोग मुसलमान थे और उन पर उनको बदनाम करने के लिए, उनको उन पर दाग लगाने के लिए और उनके खिलाफ एक घृणा का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब ये एजेंडा चूंकि केंद्र सरकार का एजेंडा भी है, इसलिए उसने इनको बचाने का ये काम किया और उल्टा सीधा हलफनामा दायर किया जिस पर मुख्य न्यायाधीश नाराज हुए। तो ये बकवास उन्होंने की थी,
ये था। दूसरा मसला मीडिया का है, जिस पर हम जान चुके हैं कि एक बार फिर से मीडिया एक्सपोज हो रहा है। कई और हाई कोर्ट ने ये काम किया है और मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो काम आज से 4-5 महीने पहले कर देना चाहिए था वो उसने अब किया है, और इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट कितना कड़ा रुख अख्तियार करती है इस मामले में, इसके बाद ही पता चलेगा कि उसका कुछ असर होगा भी या नहीं होगा, या ये केवल डांट फटकार तक सीमित रहेगा। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के जिस मामले में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसी कांड की आरोपी मंजू वर्मा को अब जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची में उनका भी नाम है। वो पूर्व में नीतीश कुमार की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जेल हुई थी और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। उनको टिकट दिए जाने के बाद फिर से उनके नाम पर विवाद होने की संभावना है और विपक्षी दल उसको चुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे। ये इसलिए मुद्दा हो सकता है क्योंकि मंजू वर्मा पर लगे आरोप काफी गंभीर रहे थे। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का करीबी माना जाता है। ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी है। शेल्टर होम में 34 लड़कियों से दुष्कर्म होने का मामला सामने आया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मंजू वर्मा को बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि जब कोर्ट में पेशी की बात आई तो वो पेश नहीं हुई थी। इसके बाद कहा गया कि वो फरार हो गई थी। मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की खिंचाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य के डीजीपी को पेश होने का आदेश भी दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि यह कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री फरार हो और किसी को पता ही ना हो कि वो कहाँ है। सीबीआई ने 2018 के अगस्त महीने में मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस भी बरामद किए गए थे। इसके बाद से ही मंजू वर्मा फरार चल रही थी। पुलिस करीब 2 महीने से उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। आखिरकार 2018 में मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद वो फिर से चर्चा में आई थी जब बीजेपी के मंच पर दिखी थी। मार्च 2019 में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें मंजू वर्मा एक चुनावी सभा के मंच पर बैठी थी। उस चुनावी सभा को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संबोधित किया था। तो न केवल जनता दल यूनाइटेड कटघरे में खड़ा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में है। पूरी सरकार और पूरा गठबंधन कटघरे में है क्योंकि एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया है जिस पर इतने संगीन आरोप हैं, 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप हैं। इन दोनों दलों के नेताओं को ये टिकट नहीं देना चाहिए था, और दे दिया है तो इनके लिए डूब मरने की बात है। ये दोनों पार्टियां जो अपने बारे में तरह तरह के आदर्श और सिद्धांत बघारती हैं, अपनी छवि की दुहाई देती हैं, अपने संस्कारवान होने की बात करती हैं, खासतौर से बीजेपी और संघ परिवार, वो अब इस कैंडिडेट को जिताने के लिए रैलियां करेंगे, वो अपने मतदाताओं से आह्वान करेंगे, अपने संगठन का सहयोग देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के इस चुनाव में एक सीट के लिए दोनों दल कितने नीचे स्तर पर जाकर गिर गए हैं। बहुत ही शर्मनाक है। ये बिहार के मतदाताओं का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है, और बिहार की जनता मतदाता को अब इस चुनाव में इस का जवाब देना चाहिए कि वो इस तरह के कैंडिडेट को मंजूर करेंगे या नहीं। अगर मंजू वर्मा जीतती हैं तो ये बिहार के की राजनीति पर तो कलंक होगा ही, बिहार के मतदाता और बिहार के समाज पर भी एक कलंक होगा कि इस तरह की एक मंत्री रह चुकी हैं, मंत्री ने इस तरह के कांड में जो शामिल थी महिलाओं के खिलाफ उसको कैंडिडेट बनाया है, और क्या पता अगर सरकार बने तो फिर से दोबारा सामाजिक न्याय मंत्री फिर बना दी जाए। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है न केवल बिहार के लिए पूरे देश के लिए कि इस तरह से ये दोनों दल बेशर्म होकर इस तरह के कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो फौरन करें, और मुझे अनुमति दीजिए कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।